वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PK07। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि मैंने हाल ही में अपनी बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एग्राफोबिक का लगवाया, तो मेरे को अभी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज फील हुए हैं इस चीज़ के, तो उसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हो तो बिफोर द इंस्टॉल प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, जो सबसे पहला एडवांटेज आता है इसमें वो आता है लुक। अगर आप एक बार मेरी बाइक देखोगे इस साइड से तो लुक बिल्कुल इन्हेंस होके आता है, और जो लुक है ना रोड प्रेजेंस में बड़ा ख़तरनाक लगती है बाइक। ये हमारा हो गया फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज आता है जो है इसका साउंड। इसका जो साउंड है ना, साउंड मतलब आप एक बार सुनो साउंड और फिर आप देखना, साउंड बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। मेनली हम साउंड के लिए लगाते हैं एग्जॉस्ट अपना, कोई भी लगाता है। तो आप एक बार इसका साउंड सुनो, दूर से मैं आपको इसका साउंड सुना तो देता। जैसा कि आप लोगों ने इसका साउंड सुना, और साउंड बिल्कुल ऐसा नहीं है कान में चुभने वाला, मतलब बेसी सा साउंड और बड़ा प्यारा लगता है। जब दूर से कोई बंदा सुनता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब 200-250 सीसी की बाइक होगी, लेकिन एज यूजुअल ये 125 सीसी की बाइक हम लोग जानते ही हैं। और थर्ड जो एडवांटेज मेरे को लगता है और सबको ही फील होता है वो है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बिल्कुल एनहेंस हो जाएगी आपकी। अगर आप बाइक चला रहे हो तो जैसे आपको पहले रेस देते थे ना, तो क्विक पिकअप लेगा बाइक, पिकअप बहुत अच्छे से लेती है। इसका एक ये रीज़न होता है कि जो फ्यूल जो आपका इंजन के अंदर जो जलता है ना वो काफ़ी क्विक काम करने लग जाता है, और जो भी जो एयर होती है काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाती है और बाहर निकल जाती है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। तीन जो एडवांटेजेस मेरे को लगते हैं कि आपको फील पक्का होंगे। और लेट्स सी, और अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही आता है कि ये इलीगल है, और ये अगर आपने एक बार ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मोटा चलान हो सकता है 1000-2000 रुपये का। लेकिन उसके लिए भी इस वाले एग्जॉस्ट में इसके लिए भी है कि आप उस चीज़ से बचने के लिए ये लगा सकते हैं डीबी किलर। अगर जब आप ये चीज़ इंस्टॉल करोगे बहुत आसान है, एक छोटा सा नट ही होता है इसमें, यूनिट लगेगा यहाँ पर, तो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बाइक का, और जैसे आपकी नॉर्मल बाइक का साउंड आता है वैसा आने लग जाएगा, इससे फिर कोई चलान नहीं होगा आपका। ये है इसका एक डिसएडवांटेज। और सेकंड डिसएडवांटेज है कि बाइक का जो माइलेज है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो जैसे इंस्टॉल करने से पहले मेरी बाइक का जो एवरेज था वो दे रही थी ये 8, मतलब एक बार फुल कराने में 500 किलोमीटर चल रही थी, बट अब ये 400 किलोमीटर चल रही है। तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि आपका माइलेज कम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से आपका वो पेट्रोल बर्न हो रहा है, इस वजह से आपकी माइलेज कम हो जाएगा बाइक का। थर्ड जो डिसएडवांटेज लगता है मुझे वो लगता है इसका साउंड। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इस बाइक का तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे लाउडनेस के लिए लगा रहे हो कोई भी एग्जॉस्ट तो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आपके अगल बगल जो लोग हैं उनके लिए नॉइज़ पॉल्यूशन का भी काम कर सकता है, तो आप काफ़ी सोच समझ के कोई भी एग्जॉस्ट चुनना। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एक छोटी सी वीडियो मेरे को लगा आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं एग्जॉस्ट लेने से पहले, कुछ लोग एक स्लिप ऑन होता है और एक फुल सिस्टम होता है। मेरी बाइक में जो है वो है फुल सिस्टम। देखोगे ना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा चेंज हुआ है, मेरे में कहीं भी काटा पीटी नहीं होती। और स्लिप ऑन में होता है, स्लिप ऑन में यहाँ से कट जाएगा एग्जॉस्ट आपका, और ये बस इतना सा पार्ट आप आफ्टर मार्केट यूज़ करोगे। लेकिन मेरी मानो तो आप स्लिप ऑन ना ही करना, फुल सिस्टम ही लगवाना। थोड़ा सा खर्चा होगा, 1000-2000 रुपये का फ़र्क आएगा, लेकिन फुल सिस्टम में ये रहेगा कि जो आपका स्टॉक एग्जॉस्ट है ना वो जरा भी हार्म नहीं होगा। अगर आपको चेंज भी करना है, आपको पसंद नहीं आई आवाज़ साउंड पसंद नहीं आया, तो आप कुछ दिन कुछ टाइम बाद चेंज करा सकते हैं। यही थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो। मेरे को लगा जो चीज़ मैं देख रहा हूँ फील कर रहा हूँ वो आपको भी पता होनी चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और जो हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट होता है ना उसका वेट बहुत ज़्यादा हो, कम से कम 5-6 kg का होता है, और जो हमारा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इसका वेट लगभग हमारा 1 से 1 kg के आसपास है पूरा का पूरा, वहाँ से लेकर वहाँ तक, क्योंकि ये जो पार्ट है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। ये भी एक रीज़न होता है कि परफॉर्मेंस इन्हेंस होने का।